हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसिंग इयर्स एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग ब्लॉग। आज मैं सिलीगुड़ी से बालूरघाट जा रहा हूँ सर्वे करने के लिए, वहाँ पे रूम वूम देखने के लिए अपने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 6:56 AM और अभी मैं निकल रहा हूँ सिलीगुड़ी परिवहन नगर पेट्रोल पम्प से। तो यहाँ से अभी थोड़ी देर में मैं जर्नी शुरू करूंगा। मेरा बाइक रुस्तम जो है वो वहाँ पे खड़ा है, उसमें प्रेशर नहीं है, तो व्हील में मैं थोड़ा प्रेशर डाल लूंगा। सो हियर वी बिगिन आवर जर्नी। सो अभी वक्त हो रहा है 7:04। अभी सिलीगुड़ी से बालूरघाट की दूरी है 275 किलोमीटर्स। तो डेफिनेटली अगर रेन नहीं हुआ, अगर बारिश नहीं हुआ, तो फर्स्ट ऑफ होगा रायगंज। तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अरे भाई, किसने खुला छोड़ दिया अपने गायों को रास्ते पे? तो ट्रक व्रक उड़ा कर लेके जाएगा, फिर पोस्टर रहना उनको। ओ, 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 गया गया अभी गया था अभी गया था ट्रक के नीचे। यहाँ पे रास्ता भाई लोग पूछो मत, पूछो ही मत। अब आएगा राइड में मजा। सो यहाँ से जो मैं देख रहा हूँ कि 167 है रायगंज और किशनगंज 92, ठीक है। तो चलो अब खेल शुरू करते हैं। ये तो मारेगा सीधा। हाँ नहीं, अपना ये रास्ता कब बन के तैयार होगा यार? मतलब पिछले 10 सालों से तैयार हो रहा है ये रोड NH34, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 100-150 साल में हो जाएगा शायद। भाई साहब, ऐसा एक पॉट होल मिला ना कि पूरा, मतलब उसमें से स्टॉप बॉक्स जो है मेरा वो साला निकल गया एकदम भाई, टॉप बॉक्स निकल के आ गया। पता नहीं इसको लेके मैं कैसे जाऊंगा। पहले अपना रिम चेक कर लेता हूँ, रिम कहीं पे बेंड तो नहीं हुआ है ये देख लेता हूँ पहले। नहीं, रिम ठीक है, रिम तो ठीक है। ए, 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 नहीं, रिम बेंड नहीं हुआ है। फेविक्विक अच्छे, फेविक्विक अच्छे। अभी गाइस ध्यान से देखिए क्या हुआ है। जब मेरा बाइक पॉटहोल में गिरा था ना, तो यहाँ पे जो लॉक होता है, इस लॉक से ये टॉप बॉक्स जो है वो निकल के आ गया। और इस टॉप बॉक्स का लॉक अभी मेरे पास है, ये है लॉक टॉप बॉक्स का। और ये ना ऐसे करके यहाँ पे सेट होता है, ठीक है, ऐसे। तो ये अभी ऐसे मुझे फेविक्विक से सेट करना पड़ेगा। शेड से मेरा यही गुजारिश है कि भाई ये देखो, आपकी प्रोडक्ट का ये हाल है, एक पॉटहोल में बाइक गिरा और उसका ऐसा हालत हो गया, ठीक है। अभी समझ लो कि इसमें अगर मेरा कैमरा वगैरह अगर कुछ होता तो उसका क्या हालत हुआ होता। अक्सर मैं टॉप बॉक्स में कैरी करते रहता हूँ मेरा ड्रोन, मेरा कैमरा, सारे ब्लॉगिंग इक्विपमेंट्स। तो आज अगर कुछ भी मेरे टॉप बॉक्स में होता तो वो तो टूट चुका होता है ना। तो अच्छा हुआ कि ये मेरे लॉन्ग राइड से पहले हो गया। तो ऐसे घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट ना बनाया मत करो शेड। ये शेड है, हैशटैग शेड। शेड को मैं बता रहा हूँ कि ऐसा काम, ऐसा प्रोडक्ट्स बनाओ मत। और मैं आगे से किसी को भी शेड का ये टॉप बॉक्स रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा भी ये जो है जार्क रेजिस्टेंट नहीं है। ये देखिए कितना यहाँ पे मेरा नुकसान होने वाला था, आज बच गया मैं। पता नहीं ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, लेकिन इसका क्वालिटी बहुत ही ख़राब है।
तो मैं यहाँ से जो भी सामान है इसमें से मैं सब निकाल लूँगा और मेरे बैग में डाल लूँगा। और आगे से मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई भी आगे से सेट का जो टॉप बॉक्स है वो ना ले। यहाँ पे फेंक रहा हूँ, दोस्तों ये मैं आखिरकार पहुँचा डालखोला। और यहाँ पहुँचते पहुँचते 3.5 घंटा लग गया आज। अभी दुआ करता हूँ कि ज़्यादा जैम ना हो डालखोला में, बहुत यार इरिटेशन हो रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। सीट पे मैंने बिछा लिया है वो रेनकोट और उस पर मैं बैठ के अभी ये बाइक जो है वो राइड कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इससे मेरा जैकेट सूख जाएगा थोड़ी देर में, और फिर अंदर का टी शर्ट जो है वो भी भीग चुका है, मतलब इतना ज़्यादा बारिश हुआ है ना तो सारा सब कुछ भीग चुका है मेरा। सामू तुम्हारे साइड दिलाम तो ओई जन्य आबार तुम सोजा ढुके दिच्छो। फिर यहाँ से लिफ्ट लेना पड़ेगा बालूरघाट के लिए। बम भाई साहब, यहाँ पे टाइम दिखा रहा है कि अभी 2.5 घंटे लगेंगे यहाँ से बालूरघाट पहुँचने के लिए। एग्जैक्ट दूरी यहाँ से लगभग कितना होगा, 100, 100, 110, 120 किलोमीटर। रायगंज तक का मेरा सफ़र काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग रहा है आज। एक तो बारिश यार बहुत ज़्यादा फैटिक देता है, और उसके बाद वो टॉप बॉक्स का निकल जाना वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग था। उम्मीद करता हूँ कि आज का कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आज का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक दे दो यार, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल में उन लोगों को बहुत सारे शुक्रिया, बहुत सारी थैंक्स मुझे सपोर्ट करने के लिए। ऐसे सपोर्ट करते रहो, और क्या बताया, ज़्यादा बोलने का भी मूड नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं जिस गाँव से गुजर रहा हूँ ना, इसका नाम है कालियागंज। रास्ता ठीक है, रास्ता उतना बुरा भी नहीं है, मतलब वो कालियागंज तक तो ठीक था। तो अभी कालियागंज के पास से थोड़ा सा मुझे पोटल्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये मैं कालियागंज मेन टाउन में अभी घुस चुका हूँ। सबर्बन टाउन है, रोड्स बहुत नैरो हैं और उसमें ट्रैफिक बहुत भारी। स्वागतम बालूरघाट पूरा सभा लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे जो है बालूरघाट में अभी एंटर कर चुका हूँ। तो अभी मुझे सीधा जाना पड़ेगा अपने जो फ्रेंड है त्रिदीप दा के पास। तो पहले अभी त्रिदीप दा के पास जाना है, फिर अपने लिए एक होटल करना है। ये यहाँ पे एक बहुत ही शानदार सा स्टैचू। पुराने बहुत सारे मॉडल्स, चिल्ड्रंस पार्क साइड में हिली बॉर्डर बांग्लादेश। लेकिन मुझे अभी फिलहाल सीधा जाना पड़ेगा। करीब 12 साल जैसा दिखता है वाला एरिया।
बॉक्स बेरी गए पूरे बोलो जे আছে हां जे ওটা কি করব আমি এ আনবো কি করে ফেলাই দিছি এটলাস লাগা হলো এটলাস এটা তোমার দোকান হ্যাঁ চলো একটু জল খাও আমায় दोस्तों बालूरघाट पहुंच चुका हूं, मतलब लगभग एक डेढ़ घंटा हो गया है। तो अभी त्रिदीप दा के साथ जाऊंगा और यहां पे रहने के लिए, आज के लिए रहने के लिए एक होटल का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो भैया लेके जा रहे हैं, उन्हीं के साथ जाके पहले एक होटल करना पड़ेगा। हाँ, तो ये आज का रूम मेरे लिए।